साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश प्रदेश में सेना की भर्ती के लिए जो नया नियम बनाया गया है उसको लेकर के युवाओं में काफी नाराजगी है। अग्निवीर अग्निपथ पर आ गए हैं और कल के बाद आज भी पूरे देश में इनका जो विरोध प्रदर्शन था वो उसी तरह से रहा जैसे कि कल था और आने वाले दिनों में ये और बढ़ जाएगा, ऐसी चेतावनी भी इन लोगों की तरफ से, इन छात्रों की तरफ से दी जा रही है। ये छात्र हैं या कौन है, ऐसा लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो लोग इस वक्त विरोध कर रहे हैं ये अराजक तत्व हैं, ये वो नहीं है जो सेना की भर्ती में जाना चाह रहे थे। लेकिन अगर एक दूसरे पहलू से हम देखें तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हो सकते हैं जो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कि हमें आगे चल के सेना में भर्ती होना है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से वो नियम बना दिए गए हैं जिसमें सिर्फ 4 साल तक ही कोई भी छात्र या कोई भी अभ्यर्थी या फिर कोई भी सैनिक नौकरी कर सकता है। उसको लेकर के लगातार अब जो नाराजगी का दौर है वो बढ़ते जा रहा है। आज भी देश के कई सारे राज्यों में उन राज्यों में जहां से सबसे ज़्यादा आर्मी के कैंडिडेट्स निकलकर सामने आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और इसके अलावा बिहार, इन जगहों पर एक बार फिर से जो छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। ये विरोध प्रदर्शन इतना प्रभावी था कि जगह जगह पर रोडवेज की बसों को रोका गया, पत्थरबाजी भी हुई है, कई जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। इस तरह का विरोध प्रदर्शन करके या इस तरह का विरोध करके सरकार की उस मंशा और सरकार की उस जो उनकी तरफ से योजना बनाई गई है उससे जुड़े हुए सारे सवाल पूछने का ये जो तरीका है ये शायद सही ना हो। लेकिन क्या इस विरोध प्रदर्शन को और दूसरे तरीके से किया जा सकता था, ये भी चर्चा का विषय होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार अब जो सवाल हैं वो अब इन युवाओं के मन में बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से 4 साल सेना में नौकरी देने का जो वादा, जो नई स्कीम, जो शॉर्ट टर्म स्कीम बनाई गई है, इस स्कीम से जो युवा है वो काफ़ी नाराज़, काफ़ी परेशान हैं। उनके सामने सवाल कई सारे हैं कि क्या इस योजना के आ जाने के बाद युवाओं को सेना में अवसर कम मिलेगा। उनके सामने सवाल ये है कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे, उनके साथ के जो छात्र होंगे वो उस दौरान ग्रेजुएट होकर के कहीं और नौकरी कर रहे होंगे जिस वक्त इनके नाम के पीछे रिटायरमेंट या रिटायर जैसे शब्द का इस्तेमाल होने लगेगा। हालांकि अग्निवीर और अग्निपथ ये जो योजना शुरू की गई है ये जो कैंडिडेट्स आर्मी के 4 साल की नौकरी पूरा करने के बाद रिटायर होंगे उस अग्निवीर शब्द को वो अपने रिज्यूम में, अपने बायोडाटा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बायोडाटा में इस्तेमाल करने के बाद क्या उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक सवाल इन युवाओं के मन में बना हुआ है। इन युवाओं का ये कहना है कि हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सेना की जो रैलियां हैं वो शुरू होएं, सेना की भर्तियां जो हैं वो शुरू होएं, और जब सरकार की तरफ से ऐलान हुआ तो ऐलान के बाद ये पता चला कि अब हम सिर्फ 4 साल ही नौकरी कर पाएंगे, पिछली बार जो हमने परीक्षा दी थी वो भी रद्द हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कल आनन फानन में एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने कहा कि पहले 17.5 साल से 21 साल तक जो युवा थे वो इस 4 साल के प्रारूप में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस नियम को बढ़ा करके अब 21 साल से 23 साल कर दिया गया है और कहा यह गया है कि पिछले 2 साल में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी उनका जो साल, उनका जो समय है वो खराब ना हो, वो एक बार फिर से इस 4 साल के नए प्रारूप में सेना को अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहें। और इसी तरह की बात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को अब तैयारी करने का समय आ गया है, युवा अब तैयारी करें, वो किसी भी भ्रम में ना जाएं, किसी भी सवाल से परेशान ना हो, उनको सारे सवालों के जवाब उनको इस योजना के तहत मिलेंगे क्योंकि ये योजना युवाओं के बेहतरीन बेहतर के लिए और सेना को बेहतरीन बनाने के लिए उठाया गया है। सेना जो अब 4-4 साल पर अपने नए रिफॉर्म्स के साथ बढ़ती जाएगी उसमें कहीं ना कहीं जो नए युवा जुड़ते जाएंगे उसमें जो तेज तर्रार दिमाग है, जो चुस्त फुर्त शरीर है वो सेना के साथ जुड़ता जाएगा। और साफ तौर पर इस बात को भी बताया गया है कि जो सेना के जो प्रमुख अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल 4 साल का नहीं होता है उनके अनुपात ये 4 साल वाले जो कर्मचारी हैं उनको बनाया जाएगा ताकि दोनों का रेशियो
रेशियो वन यानी बराबर का अनुपात दोनों के बीच हो सके और तालमेल बेहतर हो सके। और इसी वजह से ये चार साल की ये जो योजना है इसे शुरू किया गया है, क्योंकि ये कई सारे देशों में पहले से ही चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल से इसका जो प्रारूप था उस पर चर्चा हो रही थी। 1.5 साल पहले ही इस पर कहीं ना कहीं चर्चा करने के बाद ये प्रारूप जो था वो देश में लागू किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद चर्चाओं का जो दौर था वो चलता रहा और 2 से 3 महीने पहले लगभग इस बात पर मुहर लग गई थी कि अब जो सेना की भर्तियां होंगी वो इसी प्रारूप के जरिए होंगी। और अभी 2 से 3 दिन पहले इस पर मुहर भी लग गई और अब जो सेना की भर्तियां होंगी वो इसी प्रारूप में होंगी कि जो नए जवान इस सेना की भर्ती के दौरान या फिर अन्य सेनाओं की भर्ती के दौरान सम्मिलित होकर के पास आउट पास होते हैं उनको सिर्फ 4 साल ही काम करने का मौका मिलेगा। सरकार की तरफ से एक तर्क और दिया जा रहा है कि जो लोग इस पूरी योजना का विरोध कर रहे हैं वो एक बार जरूर ये सोचे कि वो युवा जो 17.5 साल की उम्र में नौकरी पा जाएगा और 21 साल तक नौकरी पा सकता है, इसके अलावा उसका जो रिटायरमेंट होगा वो 24 से 26 साल तक हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि आम व्यक्ति या फिर आम युवा क्या इतने साल तक 11 से 12 लाख रुपए कमा सकता है। इस बात का तर्क लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। कई सारे जो तर्क हैं, कई सारे समझाने के जो प्रयास हैं वो सरकार की तरफ से लगातार चल रहे हैं, सेना के अधिकारियों की तरफ से लगातार चल रहे हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगातार चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो युवाओं का गुस्सा है, युवाओं की नाराजगी है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल के मुकाबले आज ये प्रदर्शन ज्यादा उग्र रहा है। कई जगहों पर पत्थरबाजियां हुई हैं, कई सारे हाईवेज को जाम किया गया है, रोडवेज की बसों को फूंका गया है, ट्रेनों को फूंका गया है। विरोध करने का ये तरीका सही नहीं है, लेकिन विरोध ना किया जाए तो क्या किया जाए? और क्या ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये सच में सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर इसमें अराजक तत्व हैं जैसा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब आगे का रास्ता क्या है। इस योजना के तहत क्या युवाओं का जो भविष्य है वो अधड़ में रहेगा, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, जिन सवालों से लगातार अब युवा घिरे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब सरकार कब देगी और कब इन सवालों के जवाब पा करके युवा संतुष्ट हो जाएगा? आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं, ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। किसी के बहकावे में ना जाएं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। रेल भी आपकी है, संपत्ति जलेगी आपकी, लेकिन युवा को दिग्भ्रमित करके युवा के कंधे पर बिहार में राजनीतिक दल बंदूक चला रहे हैं। आज दिनांक 17 जून 2022 को 2:25 दिन तक जुमे की नमाज के संबंध में पूर्ण कुशलता है। कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और सभी धर्मगुरुओं तथा पुलिस और प्रशासन के प्रयास से चीजें सकुशल संपन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं।
युवाओं के मन में बने हुए, और ये वो बयान आपने सुने किस तरह से सरकार की तरफ से कोशिश और प्रयास है कि इन युवाओं के सवालों के जवाब दिए जा सकें और उनको ये बताया जा सके कि आखिर ये जो अग्निवीर योजना या जो अग्निपथ योजना शुरू की गई है शॉर्ट टर्म स्कीम सेना में नौकरी की, ये कुल मिलाकर के बेहतर और बेहतरीन स्कीम है। लेकिन युवाओं का सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे थे रेगुलर नौकरी की सेना में, और अब जब सेना की भर्तियां खुली हैं तो सिर्फ 4 साल का मौका उनको मिलेगा काम करने का। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल है कि क्या अग्निवीरों का जो भविष्य है वो सेना में या समाज में असुरक्षित है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से जवाब आया है कि जो लोग आगे की शिक्षा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है। किस तरह से, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अगर जो सूक्ष्म लघु उद्योग करना चाहता है उसको भी इस अग्निवीर स्कीम के जरिए काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब वो अपनी नौकरी पूरा कर लेगा तो उसको 11 से 12 लाख रुपया मिलने वाला है। ये भी बताया जा रहा है कि जो स्टेट की बॉडीज हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो गया या फिर पुलिस की सर्विसेज हो गई या फिर अन्य जो सर्विसेज हो गई, वहां पर भी उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी जब वो रिटायर होने के बाद आएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अब सरकार की तरफ से कही जा रही। फिलहाल मैं अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा देता हूं और उसके बाद इस डिबेट को शुरू करूंगा। संतोष सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ के रूप में शिवम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वेश यादव अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, रक्षा अध्ययन की पढ़ाई ये इस वक्त कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों को आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सर्वेश आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि समस्या सबसे ज़्यादा आप ही लोगों की है। लखनऊ में कल जब प्रोटेस्ट हुआ था तो आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, क्या कारण है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही इस स्कीम में? क्योंकि सरकार तो बता रही है कि बहुत अच्छी स्कीम है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, और बेहतर करने के लिए सेना को बेहतरीन बनाने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है, क्या कारण है आप लोगों का, क्यों नाराज़ हैं? जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी रहेगी, 4 साल के बाद 11 लाख रुपए जो सरकार बार बार डिडोरा पीट रही 11 लाख रुपए मिलेगा, उसमें से पहले बात तो उनके वेतन से ही कट के 5,02,000 रुपए हैं, और उसके बाद सरकार उसमें 5,02,000 अपनी तरफ से दे रही है और उनका ब्याज जोड़ के 11,70,000 रुपए हो रहे हैं जिसको सरकार देने की बात कर रही है। और सरकार जब ये देने की बात करे तो वो कह रही 11 लाख उनके पास ये मौका है, बहुत बड़ा मौका है कि 11 लाख लेके रिटायर होंगे तो कहीं व्यापार कर सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनका छोटा सा सवाल था, अभी उनकी उम्र 20 साल है तो वो कहें कि अगर हम इस समय नौकरी पाते हैं तो हम 24 साल में रिटायर होंगे, तब तक मेरी 2 छोटी बहनें हैं और वो बहनें शादी के लायक हो जाएंगी, और अगर हम रिटायर हो गए तो हम 11 लाख रुपए में बहनों की शादी करेंगे या व्यापार करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास इसका कोई फैसला लेने लायक या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है हमारे पास, उनका ये कहना था। और कई हमारे साथी थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई, वो उन लोगों का कहना है कि जो ये बता रहे हैं कि 17 साल से 21 साल में आपको बहुत बड़ा मौका है, इस बीच में आपको इससे पहले भी जो रेगुलर आर्मी की भर्ती होती थी वो भी 17.5 साल से 21 साल की होती थी, उसमें भी मौका था, उसमें परमानेंट नौकरी थी, तो आज ये नया मौका तो इन्होंने दिया नहीं है कोई सेना में वैकेंसी लाके या अग्निवीर नामक अग्निपथ योजना के नाम से, वो तो हमारी पुरानी योजना को समाप्त करके जो रेगुलर भर्ती थी उस इन्होंने नया दे दिया, और उस नए योजना का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको पुरानी योजना चाहिए, और पुरानी योजना यदि नहीं मिलती है और वो योजना नहीं आती है तो इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे, ये क्रांतिकारी हैं, और इनका कहना है कि ये जो हैं ये उपद्रवी हैं, हम तो ऐसा नहीं मानते, ये उपद्रवी हैं, अगर आपके ऊपर बीतेगा आप करेंगे तो आप कहेंगे कि हमने जो किया वो हमारी जरूरत थी। अभी 2014 से पहले जब बीजेपी प्रदर्शन करती थी बहुत सारे हमने फोटोज देखे, सरकार कह रही कि इस योजना को भी आप लोग या फिर जो देश के कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं उनको ये लग रहा है कि हम इस तरह का बवाल करेंगे और इसको भी किसान आंदोलन की तरह ठहरा देंगे, कि जैसे किसान आंदोलन या फिर जो किसान कृषि कानून आया था वो गलत था, उसी तरह से इसको भी हम गलत बता सकते हैं। लेकिन युवाओं के मन में ये बात स्पष्ट है कि ये जो नियम बनाया गया है ये गलत नहीं है, ये सही है, ऐसा कुछ नहीं, अगर किसी युवा के मन में हो तो ये काम करें, रक्षा मंत्री जी निकल आए और प्रधानमंत्री जी छात्र होंगे वो चले जाएं, उनसे बीच में बैठ के बात कर लें, अगर कोई छात्र कह दे इस तरह की चीजें हैं तो बताएं। अभी मेरा घर जौनपुर में, वहाँ TD कॉलेज में सैकड़ों छात्र तैयारी करते हैं, मैं अभी 2 दिन पहले वहां से आया,
तो सब के सब रो रहे थे बैठ के, लगभग 10 से 12 लड़के रो रहे थे। आज वहां पर उन लोगों ने भी प्रदर्शन किया, कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनको हिरासत में लेने के बाद उनको अभी तक रखा गया है, अभी हिरासत में रखा गया है, अभी तक बात हुई थी लास्ट में तो क्या हिरासत में है। और जैसे कल मेरे साथ हुआ, मैं शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाहता था और मुझे हिरासत में लेके चौकी में बैठा दिया गया, शाम को हमको छोड़ दिया गया, हम एक शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे। शांतिपूर्वक ठीक है, लेकिन ये लोग कौन है भाई जो आग वाग लगा रहे हैं जगह जगह? हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, आपने हमको हिरासत में ले लिया और विरोध दर्ज कराने नहीं दिया, ज्ञापन तक नहीं लिया आपने मेरा। और अगर वो अगर क्रांति कर रहे हैं तो क्रांति में हिंसा होनी संभव है, ठीक है, इसको हम नहीं मानते कि हिंसा नहीं होगी, क्रांति हो रही है हिंसा होगी। ठीक है ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ शिवम शुक्ला साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। शिवम जी, ये जो नया नियम लागू किया गया है शॉर्ट टर्म स्कीम सेना की भर्तियों के लिए, क्या इससे कोई नुकसान है? इससे युवा क्यों नाराज है? और बीते दो दिनों से हमारा आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आज ये प्रदर्शन और उग्र हो गया। सरकार की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही कि ये नियम बहुत बेहतर है, सेना का इसमें काफ़ी कुछ रिफ्रेश होगी सेना इससे हर चार साल पर, कितनी सच्चाई है इसमें? सर देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो योजना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिना सोची समझी योजना बनाई गई है, क्योंकि अगर आज छात्र इस तरीके से उग्रवादी हो गया है तो कहीं ना कहीं ये एक तो गलत है कि छात्र जो आगजनी कर रहे हैं, जो हमारी संपत्ति को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं या चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। और ये विरोध प्रदर्शन का ये कोई तरीका नहीं होता है। और जो बच्चे, जो युवा देश की सेवा या रक्षा करना चाहता है, उसके लिए ये जो कुकृत्य वो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात, अगर ये योजना जो आई है, अभी तक हम बहुत सालों से ये सुन रहे थे कि टूर ऑफ ड्यूटी आएगा, टूर ऑफ ड्यूटी आएगा, तो सर टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आप छुट्टियों में कोई एक अपने मनपसंद का आप काम कर सकें। आज अगर गवर्नमेंट ने ये योजना, ये स्कीम लागू की है, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों या हमारे इस देश के युवा के लिए एक बहुत गलत योजना है, क्योंकि इससे जो ये पहली बात तो हमारे भारतीय फौज के लिए योजना है, अगर ये कोई आम जनमानस के लिए योजना होती तो भी ये खराब होती। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जैसे हर लोग सभी का ये कहना है कि देश की सेवा करना, देश की सेवा करना, ये देश की सेवा करने के लिए युवाओं को आगे बढ़ाएगी ये स्कीम, तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फौज कोई देश की सेवा नहीं करती है। सबसे पहली बात, फौज इस देश की सुरक्षा करती है, और जब बात सुरक्षा की होती है तो वहां पर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर इस तरीके से, अभी तक क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी फौज का नाम आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फौज का नाम आता है और वहां हम जैसे ही फौज का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे सामने वो ट्रेनिंग आ जाती है। तो आप खुद सोचिए कि अगर 6 महीने की, जैसा कि इन्होंने कहा है कि 4 साल की ये पूरी इनकी ड्यूटी रहेगी, जो टेन्योर रहेगा 4 ईयर का रहेगा, इसमें मात्र आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आज की डेट में, आज जब देश या प्रदेश या लाइक हमारा पूरा ये विश्व आज जब बहुत आगे बढ़ रहा है, आज की डेट में बहुत सारी इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि बहुत हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, और वो पूरा आपका लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से वो लैस हैं, और ऐसी सिचुएशन में जब आप 6 महीने की उन्हें ट्रेनिंग देंगे तो क्या वो इसके लायक होंगे? क्या वो देश की सुरक्षा करने में कायम हो पाएंगे? और दूसरी बात, अगर देखा जाए कि हमारी ये जो सेवा है या देश की रक्षा है, तो हमारे जो अगल बगल अगर देखा जाए चाइना है, पाकिस्तान है, तो इनसे अगर कभी भी युद्ध होता है, जैसे कि पहले भी हमने देखा है, 62 आप ले लीजिए, 47 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, इसके बाद 99 ले लीजिए, तो हमारी देश की सेवा ने, हमारी देश की फौज ने जो एक साहस दिखाया है, जो अदम्य साहस दिखाया है, वो केवल 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद नहीं दिखा पाए हैं। ये बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग के लिए बहुत साहस चाहिए होता है और वक्त भी लगता है। तो आप पहली बात तो 6 महीने की ट्रेनिंग में आप उस लायक सेना को बना नहीं पाएंगे। आज जैसा कि कहा जा रहा है कि सेना को वो युवा बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कीम के बाद हमारी सेना युवा नहीं बढ़ेगी, वो बूढ़ा बन जाएगी। क्योंकि जब आप उस लायक वो ट्रेनिंग नहीं आप दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। और साथ में हम अगर सैलरी की बात करें या रिटायरमेंट के बेनिफिट्स की बात करें, तो बहुत सारी चीजों से बच्चे अछूक रह जाएंगे और सबसे अछूत रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आज जब ये जब वो बच्चे रिटायर्ड होते हैं 4 साल के बाद,
तो उनमें वो मनोबल नहीं रह जाएगा, उनमें वो मोटिवेशन नहीं रह जाएगा। आज फौज को ज्वाइन करने के लिए हमारे देश के युवाओं में जो मनोबल है वो बिल्कुल टूटता चला जा रहा है। ठीक ठीक ठीक, मैं आता हूँ। संतोष सिंह हमारे साथ बीजेपी से हैं। संतोष जी, लगातार अब ये जो समस्या है आप लोगों के सामने खड़ी होती जा रही है कि छात्रों को कैसे समझाया जाए, कई सारे सवाल उनके मन में इस शॉर्ट टर्म स्कीम को लेकर के हैं कि उनका भविष्य कहीं ऐसा ना हो कि अधड़ में पड़ जाए। क्या होगा चार साल के बाद, चार साल के बाद क्या करेंगे, छह महीने ट्रेनिंग में चले जाएंगे, 3.5 साल की नौकरी बचती है उसमें से 3 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद जब 6 महीना बचेगा तो फिर दिमाग में चलता रहेगा कि अब रिटायर होने वाले हैं, अब क्या करेंगे आगे चल के। तो इन सवालों के जवाब क्या आप लोगों ने पहले नहीं तलाशे थे, और अगर नहीं तलाशे थे तो क्या अभी क्या आप जवाब इन छात्रों को दे सकते हैं कि आखिर इस तरह का प्रदर्शन ना हो, और ये आप बता सके कि ये जो स्कीम आई है बेहतर है? कुछ भी घटना घट रही है या जो कुछ भी दंगे फसाद हो रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाने जा रही है, आम पब्लिक को परेशानी, ये जो कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले तो ये दुखद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा अपने नौजवान साथियों से कि आप प्रदर्शन करना आपका राइट्स है, आप सोच सकते हैं अपने अच्छे के लिए, अपने बुरे के लिए, जो भी अच्छा लगता है आप सोच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना घट रहा है ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, में सरकार का जो फैसला आया, सरकार ने जो डिसीजन लिया है, शॉर्ट टाइम आप बोल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम लिया है, 4 साल के लिए ये स्कीम लागू हुई है, तो बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं कि पता नहीं क्यों इसको निगेटिव वे में प्रदर्शित किया जा रहा, कहा जा रहा है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। 17 साल से 21 साल, अब तो 2 साल बढ़ गया था, 23 साल हो गया। मैं भी न्यूज देख रहा था, राजा जी को मैं सुन रहा था जी। और ये चीजें निगेटिव क्यों है, क्यों निगेटिव ही इसको प्रचार प्रसार किया जा सोचा रहा, जबकि आपके हिंदुस्तान के लगभग जितने जनरल हैं, जितने रिटायर्ड जनरल हैं, जितने बड़े सैन्य अधिकारी हैं, सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया, सारे लोगों ने इस योजना की प्रशंसा की। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, 17 साल से 21 साल तक आप 3-4 साल एनसीसी कैडर में जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और 3 साल अपने गंवाने के बाद आप वापस आकर के आप बेनिफिट लेना चाहते हैं कि हमने 3 साल दिया है, हमको थोड़ा सा आर्मी में भर्ती होने जाएंगे तो हमको ये मिलेगा। और एक चीज बताइए कि 17 से 21 साल और 23 साल की उम्र तक बच्चों को, अच्छा सरकार ने ये डाला है कि ठीक है आप 10वीं पास करके जाते हो, अगर आप 4 साल बाद हो तो हम आपको 12वीं पास का सर्टिफिकेट देंगे, पर 25% तो 100% श्योर है कि उनका प्लेसमेंट होना है रेगुलर में। आप उसके बाद भी स्वतंत्र हो कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो कि कहीं भी और नौकरी के लिए सोच सकते हो। और सरकार ने इन चीजों के लिए बहुत सारे रास्ते खोले, ऐसा नहीं है कि सरकार ने रास्ता नहीं खोला है। अभी हमारे भाई ने बोला, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि हमारे दोस्त ने सवाल किया है कि अरे रजी भाई आऊंगा, सुन लीजिए पहले, हमारी दो बहनें हैं, हम उनकी शादी कैसे करेंगे। मेरा भी लड़का 24 साल का है, और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि 17 से 21 की उम्र में वो ऐसी कौन सी कमाई कर लेगा अगर एजुकेशन के अलावा, जिससे वो अपनी बहन की शादी कर सकता है। उसकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, हम वो परमानेंट भर्ती की मांग कर रहा है, ऐसा नहीं है जो 17 साल से और 21 साल की उम्र के बीच में कोई ऐसी पूंजी करने का, जिससे देखिए ये बेसिकली सरकार की मंशा गलत नहीं, सरकार ने कहीं गलत डिसीजन लिया है, किसी को आहत करने के लिए और किसी को नुकसान करने के लिए नहीं है। सरकार ने फैसला लिया है, हित में लिया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में फैसला हो गया, आप लोग ने एक्सरसाइज नहीं ठीक से किया था इस पर। देखिए पूरा वर्कआउट हुआ है, अच्छे से एक्सरसाइज हुआ है, सारी चीजों को सोच समझ के सरकार ने फैसला लिया है। और सरकार के फैसले को निगेटिविटी में जितने लोग सोच रहे हैं, जितने लोग बोल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या इनके ये जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, जो लोग शासक अपने जो अधिकारी है, कमांडेंट है, चाहे जनरल है, चाहे जो भी फौज के जितने बड़े बड़े अधिकारी रिटायर्ड हो जाए, उन लोगों ने आखिर क्यों नहीं अप्रिशिएट किया, मुझे नहीं लगता किसके कहने पे किया होगा। वो लोग स्वतंत्र रूप से अपने आइडिया विचारधारा, और बिना उनके राय के ये फैसला नहीं लिया गया होगा उनकी राय। और मुझे कहीं से नहीं लगता है कि इसमें किसी बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। आप मुझे बताइए, मैं तो पैनल में बैठे लोगों से निवेदन करूंगा कि आप हमको बताइए बच्चों का कौन सा भविष्य खराब हो रहा है। क्या सरकार 17 से 21 साल में बच्चों का, 17 से 21 साल के बाद आपको 22 साल के बाद, 23 साल के बाद आपको 3 साल का और मौका मिलेगा, आप 3 साल और आप ट्राई कर सकते हैं भर्ती के लिए, लेकिन आप 17 से 21 के बीच के इस मोटिवेशन को क्यों गलत ठहरा रहे हैं, मुझे ये चीज समझ में। ठीक है संतोष जी, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। विनय पटेल हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से, रजी भाई होंगे इसके बाद। विनय पटेल, आपने संतोष जी की बात सुनी, उन्होंने बताया कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ बेहतर है, और बेहतरीन करने का एक प्रयास सरकार की तरफ से उठाया गया है।
फिर ये इस तरह का बवाल क्यों है, छात्र क्यों नाराज हैं, क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नितिन जी देखिए आवाज आ रही है? जी बोलिए। नितिन जी देखिए, इसके पहले ये पहली बेवकूफी नहीं की है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन नियम कानून लेके आए थे, जो जिसके लिए किसान सड़कों पर एक साल तक खड़े रहे और 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, और एक साल के बाद 700 किसानों की जान लेने के बाद लखीमपुर में इनकी मंत्री के बेटे की गाड़ी से 7 किसानों को मरवाने के बाद ये माफी वीर के औलादों ने जाके उस काले कानून को वापस किया, और अब फिर ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब ये नौजवानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, ये झूठों की एक फैक्ट्री चल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले इन्होंने कहा 2 लाख रोजगार देंगे, 2 लाख रोजगार नहीं मिला। फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी जी ने क्या कहा, मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आया है भाइयों बहनों, जिससे अब गोबर से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और आज नौजवानों के रक्षा क्षेत्र के मुद्दे पर इनका कृषि मंत्री आके बयान दे रहा है, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इनका रक्षा मंत्री बयान दे रहा था। मुझे तो लगता है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में अपने सलाहकार के तौर पर किसी फिल्म निर्देशक को रख दिया है, जो अच्छे अच्छे डायलॉग उनके लिए रखे। क्या लिखा, अग्निवीर बनाएंगे। अरे भैया, स्वतंत्र देव सिंह के भतीजे लड़के, उनके बहन के, उनके फुआ के, उनके मामा के, उनके ताऊ के लड़के को पहले आप अग्निवीर बना दीजिए ना। संतोष जी बता रहे हैं मेरा लड़का 24 साल का है, एकाध लड़का उससे छोटा होगा, नहीं होगा तो परिवार में कोई होगा, उसको अग्निवीर बना दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए नितिन जी, कोई लड़का इंटर हाई स्कूल और इंटर पास करके कोई लड़का नौकरी करने के लिए जाएगा, 6 महीने ट्रेनिंग करेगा और 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा, और जब 4 साल बाद रिटायर होगा तो वो लड़का इंटर पास रहेगा ना जी। और वो इंटर पास लड़का कौन से प्राइवेट फैक्ट्री में बड़ा जॉब पा जाएगा, कौन सी सरकारी नौकरी में IAS PCS हो जाएगा। ये बता रहे हैं कि आपको हम मौका देंगे। अरे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, मुख्यमंत्री, विधायकों को अपने लड़के को अग्निवीर बनाना चाहिए। इस देश के सेनाओं के मान सम्मान की बात है। ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बताती। क्या किया जाए, बेहतर कैसे किया जाए, क्या कुछ बेहतर इसमें हो सकता है या फैसला वापस लिया जाए? कुछ बेहतर नहीं हो सकता, कोई समझौता हो ही नहीं सकता। इस कानून को पूरी तरीके से, इस योजना को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए। और अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो एक बात सुन लीजिए, अब ये नहीं चलेगा कि हमारे लड़के, किसानों के लड़के और गरीबों मजलूमों के लड़के अग्निवीर बनेंगे और इनके लड़के BCCI वीर बनेंगे, ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। ठीक है। इन सुनिए एक मिनट मेरी बात। जी जी हाँ, पूरी कीजिए। ये माफी वीरों ने एक बार किसानों से माफी मांगी थी और अब नौजवानों से माफी मांगेंगे। अगर माफी मांगे बिना इन्होंने इस कानून को वापस नहीं लिया तो जो नौजवान सरकार बना सकता है सरकार गिरा भी सकता है। ठीक है, मैं आता हूं। समझ में ये बात नहीं आ रही। ठीक है विनय भाई, मैं आता हूँ। रजी हसन ऐसा सपस है। रजी भाई, सब कुछ सुन लिया आपने, संतोष जी कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, फिर क्यों आप लोग इतना नाराज है, क्या दिक्कत है? 2014 में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश की भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर दूसरा नारा दिया, बहुत हुई नौकरी की मार, अब की बार मोदी सरकार। शायद भाजपा के प्रवक्ता संतोष सिंह जी को याद आ रहा होगा कि नहीं, ये तो मैंने याद दिलाने के लिए ने बता दिया। जब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी नौजवान पूरे भारतवर्ष के, चाहे वो महिलाओं में हो चाहे युवा हो, हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। नौकरी के नाम पर पकौड़ा बेचने का व्यापार बताया, सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को झूठे वादे किए, अब देख लीजिए नौजवानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक करा करके और नौजवानों के साथ
युवाओं के साथ कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं टॉपिक पे, भारतीय जनता पार्टी को पता हो वो सब फिर। और दूसरी बात ये अग्निपथ योजना जो कि अग्निवीर योजना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सही कहा कि संतोष सिंह जी अपने किसी भी परिवार के बेटे को या खुद के बेटे को या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मिनिस्टर या भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने बेटे को 3.5 साल की नौकरी करने के लिए क्या सेना में भेजेगा, और सेना में भेजने के बाद उसका आगे का भविष्य क्या होगा ये डिसाइड, ये बताएं। मामला ये है कि सेना में तो भेज दिया, उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा। वाकई हमें जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सहमति के लिए बता तो रही है सरकार, क्या भविष्य के लिए बता रही है की जो अलग अलग बॉडी उसमें प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, नौकरी के नाम पर पकौड़ा बिछवा रहे हैं, बेरोजगारी के नाम नौकरी के नाम पर पकौड़ा बिछवा रहे हैं, बेरोजगारी के नाम पर पेपर लीक करा रहे हैं, और तो इनका क्या भरोसा कि नौजवानों के साथ क्या करें। और आप बता रहे हैं आज इन्हें आतंक, आप तो उपद्रवी, यही युवाओं ने आपको वोट दिया था संतोष सिंह जी उत्तर प्रदेश में और देश में, जो कि बहुत उम्मीदों के साथ कहा गया था कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार। आपने सीधा सीधा युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं को छलने का काम किया है, और ये युवा आज रोड पे अगर निकल आया तो आप उसे उग्रवादी बताएंगे। भले माना संपत्ति, सरकारी संपत्ति का अहित हो रहा, सरकारी संपत्ति तोड़ी फोड़ी जा रही, ये मैं इस चैनल के माध्यम से भी नौजवानों से कहूंगा कि अपनी बात ईमानदारी से रखें और पूरी मुस्तैदी से रखें और पूरे युवाओं के साथ और जन सैलाब के साथ रखें। तोड़ फोड़ करना ठीक नहीं है, मगर जब गुंगो बहरों की देश में प्रदेश में सरकार है, नौजवानों का भविष्य खतरे में जा रहा, अंधकार में जा रहा है, तो बताइए, आपने तो छूटे वादे किए थे, अब की बार मोदी सरकार, रोजगार सरकार और युवाओं की सरकार और नौकरी की सरकार, पकौड़ा की सरकार, क्या करेगा युवा? ये तो संतोष जी को खुद सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के योजनाएं तो आप बहुत आई हैं, मगर किस योजना पर जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है ये शायद संतोष भाई को, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं। ठीक है सर्वेश, क्या कह रहे थे आप? जी हम ये इनके जो भाजपा के नेता जी हैं अभी बता रहे थे, इन्होंने बात बताई कि 17 साल से 24-25 साल का छात्र इतना क्या कर लेगा कि कमा लेगा, वो ये नहीं कह रहा मैं कमा लूंगा, वो कह रहा सेना में जो परमानेंट भर्ती पहले भी 17 साल से 21 साल के बीच में ही होती थी वही परमानेंट भर्ती चाहिए हमको, आपका ये अग्निपथ योजना अग्निवीर नहीं बनना है हमको, वो दे दीजिए। अगर वो उसके बीच में अगर वो सेना में चला जाता है तो अपने बहनों को भी शादी कर लेगा, सब कर लेगा। और उसके बाद शिवम भैया हैं जो हमारे साथ, इनके बाद से मैं बहुत ज्यादा जो है कि इत्तेफाक रखता हूँ कि इन्होंने बहुत सही बात कही कि सेना कमजोर होगी इससे। देखिए सेना की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के 6 महीने में आप कौन सी ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे कि जिससे कि आर्मी में भेज देंगे या बॉर्डर पे आप भेज देंगे तो वहाँ पर प्रशिक्षित होंगे। एक मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी आर्मी में हैं, उनसे कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा उनको हथियार चलाने में सीखने में ही 4 साल लग जाएंगे, और एक्सपीरियंस लोग सेना में नहीं रहेंगे तो इस सेना कमजोर होगी। और इस बात को ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है कि एक्सपीरियंस लोगों का रहना जरूरी है, और 25 साल में तो बुढ़ा तो हो नहीं जा रहा है, 25 साल में वो व्यक्ति बुढ़ा तो होने जा रहा है, 25 साल में आप उसको रिटायर कर दे रहे हैं, तो इस तरह से वो 40 साल तक युवावस्था में ही रहेगा, और वो जितनी फुर्ती उसके शरीर में 20-21 साल की रहेगी उतनी 40 साल तक रहेगी, उसके बाद उसका शरीर कमजोर होता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए बना हुआ है प्रावधान है। और ये बार बार एक ही बात करट लगाना, 17 साल से 24-25 साल में वो 11 लाख रुपए बचा लेगा और ऐसी कौन सी जॉब करता कि वो कमाल, अरे भाई वो सेना में जाना चाहता है, वो सेना की तैयारी 4 साल से कर रहा है और वो रेगुलर भर्ती में जाता तो उसकी परमानेंट जॉब रहती, तो जॉब के माध्यम से लोन लेके काम करता या कुछ भी करता वो कर लेता, क्योंकि उसके पास परमानेंट नौकरी थी। परमानेंट नौकरी नहीं है तो लोन भी नहीं मिलेगा। आप जो बता रहे थे कि कुछ लोन, वो 3 साल के लिए आप कुछ लोन बता रहे थे, उसमें भी हमको नहीं लगता कि कुछ होगा। और हाँ एक बात और जो बताते हैं कि हम अग्निवीर का सर्टिफिकेट देंगे, आप जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, अरे भाई इतने नेशनल खिलाड़ी पड़े हुए हैं सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, मेडल बेच के खाना खा रहे हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, आप बात करते हैं अग्निवीर का सर्टिफिकेट लेके नौकरी देंगे, कौन देगा नौकरी, कोई है बताने वाला कोई नौकरी देने वाला?
कोई नहीं है। बीजेपी के लोग केवल गुमराह करते हैं लोगों को, और बीजेपी जो बताती है कि लड़के उपद्रव कर रहे हैं, इसके बारे में बता दूं 2014 से पहले लोग यही लोग रोड पे जाते थे, तोड़फोड़ करते थे। 2017 से पहले यही यूपी में, मैं लखनऊ में देखा हूँ, लोग बांस और बल्ली लेके पुलिस पर हमला करते थे प्रदर्शन में। तब ये दुहाई नहीं देते थे कि ऐसा ना करो, आज छात्रों को दुहाई दे रहे हो। अरे भाई, शांति से कोई सुनता नहीं है, सुन रहा होता तो हम सुना दिए होते और सुन लिए होते, वो सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, शिवम जी क्या कह रहे हैं? सर देखिए, मेरा ये कहना होगा, जैसे कि संतोष सर ने ये बात बोली कि ये पूरा सोच समझ के, देखिए मैं सरकार की नीयत को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, और ना ही मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल डिबेट में हूँ। मेरा बस ये है कि जो फौज के साथ हो रहा है, ये फैसला सही है या गलत, तो मेरा यही कहना होगा कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। और जैसा संतोष सर ने बोला कि पूरा सोच समझ कर बड़े जो कमांडेंट हैं, या लाइक जो आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कशन करने के बाद ये चीज़ आपकी लागू की गई है, ये स्कीम। तो सर मुझे ये बताइए कि आपने स्कीम को 14th of June 2022 में, लाइक ट्यूजडे को आपने लागू की, एंड उसके ठीक दो दिन बाद आपने जब देखा कि यार इसका बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो आपने, अब सोचिए इसमें क्या है, आप अपने देश को, हमारे देश को इस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश माना जाता है, आप हमारे देश में युवाओं को सबसे ज़्यादा मानते हैं, अब आपने अगर इसकी एज 17.5 से 21 साल की थी तो आपको 23 साल फिर क्यों करनी पड़ी? आपने अपने ही फैसले को ठीक दो दिन बाद क्यों 48 घंटे के अंदर क्यों चेंज किया? जब आपने पूरी स्कीम आप बना रहे थे तो आपको पहले देखना चाहिए था ना कि भाई कोविड में हमने जॉब नहीं दे पाई है, हमने वैकेंसीज नहीं निकाल पाई हैं, अब अगर बच्चा वही जाके 2 साल की उसकी एज बढ़ चुकी है, देन आप उसको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, एंड इसके बाद आने वाले अगले साल आप रिलैक्सेशन नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बात समझ में आई है कि हाँ उनसे कहीं तो गलती हुई है, अब उसको नहीं मानते हैं, ये उनका अपना नजरिया है। दूसरी बात, अगर आप खुद सोचिए कि आज फौज का जब नाम आता है तो हमारा जो मनोबल है, जो मोटिवेशन है, आज बच्चे, ये देखिए फौज कोई रोजगार नहीं है, बार बार ये बात कही जा रही है कि बच्चे, देश हमारा युवाओं का देश है, फौज हमारी युवा बनेगी। आप 24 साल की एज में किस, कौन सा बच्चा है ऐसा जो 20 लाख 25 लाख रुपए कमा लेगा और फौज उनको 4 साल के बाद उनको ये पेमेंट दे रही है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज अगर ये, क्या फौज आपका रोजगार का एक वो हिस्सा बन गई है? फौज रोजगार का हिस्सा नहीं है, फौज एक जीवन है, फौज आपका क्या करती है, आपके देश को सुरक्षित करती है और आपके रोजगार को संभाल के रखती है। तो क्या आप उन्हें खुद रोजगार देंगे? आप में इतनी क्षमता है कि इस ये देश वीर जवानों का है, और जब ये वीर जवान ही हमारे कमजोर होंगे तो आपके रोजगार का हम करेंगे क्या? आप 24 साल की एज के बाद उन्हें रोजगार देंगे, लेकिन उसके मनोबल का क्या करेंगे, उसके फैमिली के बच्चों का क्या करेंगे? आज जब फौज में कोई भर्ती होता है तो उसके घर वालों की पूरी पीढ़ी चेंज हो जाती है, वो हर चीज उनकी बदल जाती है। आज सोचिए उनके, अगर आज आप देखते होंगे कि जब फौजी एक रिटायर्ड होता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक विचार आता है कि यार अब मैं इसके बाद क्या करूंगा। तो अभी एक ये योजना होती है कि हाँ भाई, जब फौजी फौज से रिटायर होके आता है तो उसको कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट जॉब में उनको प्रायोरिटी दी जाती है। वो सिर्फ इसलिए दी जाती है बिकॉज दे आर वेल ट्रेंड ऑफिसर्स, दे आर वेल ट्रेंड डिफेंस पर्सनल। तो कई ऐसे हैं जो गार्ड बनने को मजबूर रहते हैं। सर देखिए, ये यही तो एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जब सरकार, देखिए सरकार का काम क्या है कि आम जनमानस के लिए वो सही स्कीम बनाए, आज आप फौज के लिए इतनी गलत स्कीम बनाएंगे तो आम जनमानस का तो हमसे भरोसा ही आपसे उठ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने ये स्कीम बनाई थी तो आपको ये स्कीम बनाइए, कोई गलत नहीं, आपकी नीयत सरकार की मैं मानता हूं कि अच्छी है, वो चाहते हैं कि फौज में युवाओं का ज्यादा लाइक यहाँ पर रेशियो बढ़ जाए और हमारी फौज बहुत युवा हो जाए, ठीक है, सारी बातें सही है। लेकिन जो इसके पहले जो स्कीम्स चल रही थी, लाइक जैसे एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप की एंट्री थी, डायरेक्ट आपकी रिलेशन भर्ती थी, आपका लाइक एयरफोर्स की अलग रैलीज निकलती थी, नेवी अपने डबल ए और SSR के थ्रू अलग रिक्रूटमेंट्स कर रहे थे, तो ये सारी चीजें एक बहुत सही तरीके से चल रही थी। ऐसा भी है कि पेंशन और सैलरी के खर्चे को बचाने के लिए इस तरह की, बिल्कुल ठीक बात है ये, और देखिए इनका ये एम ही यही है। आप सोचिए कि फौज के पैसे को बचा के आप देश का पेट पालेंगे, ये कौन सा तरीका होता है? आप फौज, यहाँ फौजी केवल पैसे के लिए वो अपनी नौकरी करने नहीं जाता है, हर इंसान, हर युवा फौज में सिर्फ इसलिए जाता है, वो अपने देश की सुरक्षा करना चाहता है, उसके मन में वो विचार होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत से लोगों ने ये बात मेरे साथ जो बैठे उन्होंने बोली कि क्या किसी भी नेताओं ने या जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं,
क्या उनके आज कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो आज फौज में नौकरी कर रहे हो? नहीं है, या तो वो बहुत ब्यूरोक्रेट्स होंगे या फिर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन वो फौज में नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जब बात दलील देने की आएगी तो दलील हर इंसान देना शुरू कर देता है। तो आप बताइए, फौज को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमजोर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्कीम तो कमजोर कर रही है ना, तो आपको विचार करना पड़ेगा। संतोष जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे घर में मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरे दो भाई आर्मी में थे, मेरे चाचा का लड़का आर्मी में था, मेरा परमानेंट थे और परमानेंट थे। क्यों नौजवानों के साथ खिलवाड़? आपके लड़के ने उन लोगों ने 17 साल जॉब किया है, नौजवानों के साथ क्यों? 4 साल जॉब नहीं किया है आपके लोगों ने? 17 साल जॉब की है, परमानेंट थे ना? राजनीतिक राजनीतिक परमानेंट थे। प्लीज वन बाय वन, प्लीज 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 वन बाय वन सुन लीजिए, प्लीज वन बाय वन। सार्थक बहस है और इस बहस के जरिए कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इस वजह से चर्चा को सार्थक तरीके से चलने दीजिए। प्लीज रजिया हसन बोल लेने दीजिए, अपनी पट्टा अपने टाइम पे बोलिए। बता दीजिए कि आपके परिवार में जो आर्मी में लोग थे वो परमानेंट थे, ठीक है, कितने साल में रिटायरमेंट उनका हुआ? ठीक है ठीक है, बात आ गई। हां संतोष जी बोलू मैं? हाँ बोले। बोलो, परमानेंट थे, आर्मी से थे। आपने हमसे पूछा कि कोई आर्मी में है नहीं, तो मैं बताया। दूसरी चीज की आपने पूछा कि क्या अपने लड़के को आप भेजना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर मेरा लड़का जाना चाहेगा तो क्यों नहीं उसको भेजूंगा? बिल्कुल भेजूंगा मैं उसको, जाना चाहेगा तो क्यों नहीं भेजूंगा? क्या 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 शिकायत क्या है इसमें नहीं भेजने की? अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ साहब अपनी बातें रख रहे थे, उनका अपना तर्क हो सकता है, सरकार का अपना तर्क हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती है कि सुझाव आपका अच्छा हो, कुछ चीजें हमारे तरफ से अच्छा है। हम सुझाव लेने के लिए और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं इसके कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग, अगर सरकार कोई इम्प्लीमेंट करती है, सरकार कोई सुधार करती है, अगर सरकार कोई अगर चीजों को कंपनसेशन देती है, अगर सरकार करना चाहती है और उसमें अगर आप कोई एडवाइस कर देते हैं और आपकी हम बात मान जाते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है भाई? अगर आपको लगता है कि हाँ, हमने दो साल कोरोना था, कोरोना काल में हमने किसी की भर्ती नहीं की, हमने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, उसका कंपनसेशन दे करके हमने 21 की जगह 23 साल कर दिया, भाई क्या क्या हो गया? अगर सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया तो क्या दिक्कत हो गई? आपने ही सुझाव दे दिया, आपने सुझाव दे दिया कि ऐसा कर लीजिए। आपने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कितनी नौकरियां निकाली आप बताइए, ये दिक्कत है नहीं देश के लिए, नौजवानों के लिए? और जो आपने नौकरी निकाली अग्निपथ और वीर अग्नि के माध्यम से, आपने जितना सुंदर बढ़िया नाम दिया है, उसमें क्या नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? आपने एक ऐसी योजना बताई कि डायरेक्ट उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में डायरेक्ट युवा नौकरी पा रहा हो और उस नौकरी से सीधा उसके डायरेक्ट उसके परिवार का लाभ हो रहा हो। आप एक नौकरी ऐसी बता दीजिए जो आपने अपनी सरकार में दी हो 2014 से लेकर 2022 तक, एक नौकरी बताइए। 2014 से लेकर और 2022 तक 8 साल 7 साल हो गया। हाँ, और 2017 के पहले की भी सरकारों को हमने देखा, उनकी योजनाओं को देखा, उनकी नौकरियों को देखा। मेरा यहाँ पे कहना होगा कि ये पहले की बातों पे हम बात नहीं देखिए। हाँ बिल्कुल साहब, इतिहास में चर्चा ना हो, अभी चर्चा हो, टाइम को भी थोड़ा ध्यान में रखें। समय समय भी कम है, समय भी कम है। संतोष जी, संतोष जी ना की जाए, संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, रजिया सन प्लीज, रजिया सन प्लीज, ठीक है, वो मैं किसी और दिन चर्चा करूंगा। हाँ रजी, रजी भाई, रजी भाई, देखिए बेरोजगारी की वजह से हो रहा है, ठीक है रजी भाई, ठीक है, भली बात, ठीक है, रोजगार बेरोजगारी पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। संतोष जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, बहुत अहम चीज बता रहे थे। हाँ संतोष जी कंक्लूड कीजिए। आप 2014 और 2014 से लेकर, वो छोड़िए इतिहास छोड़िए ना संतोष जी, इतिहास छोड़िए, अभी जो कंक्लूजन है और अभी जो काउंसलिंग है छात्रों की वो बताइए। मेरा कहना कुछ नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार ने अगर कोई कदम उठाया है नौजवानों के लिए या आर्मी के लिए तो बहुत सोच समझ के उठाया। और रोटेशन होना चाहिए, हर जगह रोटेशन होना चाहिए, क्यों नहीं रोटेशन होना चाहिए? रोटेशन में क्या बुराई है भाई? और किसका भविष्य खराब कर रहे हैं आप बताइए जरा हमको। हम 25% लोगों को भर्ती लेंगे, 25% उसमें से रेगुलराइज हो जाएंगे। अब मैं इस पे ये बात कहना चाहूंगा, बहुत सटीक बात, 75% खराब कर रहे हैं। मैं बहुत सटीक बात इस बात पे कहना चाहूंगा सर, अगर आप सुनना चाहें तो। हाँ बोलिए। आपने बोला कि क्या अनित हो रहा है, सबसे पहली बात, जब आप किसी, अगर मान लीजिए किसी भी एक जगह 10 इंसान काम कर रहे हो और उनको ये बात पता हो कि भाई आने वाले 10 दिन बाद हम में से 4 आदमी को हटाया जाएगा। आप ये खुद बताइए मुझे, क्या उस जगह वो जो 6 लोग जो भी 10 लोग होंगे वो काम पर ध्यान देंगे या वो चाटुकारतर पर ध्यान देंगे? वहां पे ये होगा कि वो जो बड़े ऑफिसर्स होंगे वो उनकी चाटुकारता करते हुए घूमेंगे कि भैया हमको 4 साल बाद हमको फाइनल रिक्रूटमेंट लेना। एक सेकंड सर, मैं प्लीज, मेरी यथार्थ में सोचिए, मैं यथार्थ की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप खुद सोचिए, एक मिनट सर,
ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप खुद सोचिए ना सर, फौज सर फौज हमेशा आगे का सोच के चलती है, फौज हमेशा आगे का सोच के चलती है। साल की ट्रेनिंग, इस बात को आप ध्यान दें। नौकरी का निर्धारित कर दिया, एक 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 मिनट एक मिनट सर्वेश सर्वेश प्लीज, मैं संतोष सर आपसे मैं बात कहूंगा, बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन फौज का मैं नियम आपको बताना चाहूंगा, फौज हमेशा आगे का सोच के चलती है, यथार्थ में तो जीती है लेकिन वो आगे की प्लानिंग के साथ चलती है, वो सिविलियन नहीं है कि हाँ वो जीवन बाद में देखेंगे, आज का जी लो कल देखेंगे, वो फौज में ये नहीं चलता है। फौज में चलता है कि आज जो हम कर रहे हैं इससे आगे क्या होना है, इस पे भी विचार करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस स्कीम में कहीं ना कहीं इन बातों को बिल्कुल दरकिनार किया गया है, ध्यान नहीं दिया। मैं इस स्कीम को गलत इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में फौज के साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। मैं आपसे संतोष जी पूछना चाहूंगा, क्या आप इस बात से आप बिल्कुल मानते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग एक इंसान को फौजी बना सकती है? 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई एक क्या वो चाइना या पाकिस्तानी अदर किसी कंट्री से क्या वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? यहां बात नौकरी या पैसे की है ही नहीं है, बात यहां टूर ऑफ ड्यूटी की है ही नहीं है, बात तो है देश की रक्षा की। क्या वो संभाल पाएंगे अपने देश को? इतना बड़ा देश है हमारा भैया। जी जी, देश की रक्षा करने वाले बड़े डिसिप्लिन होते हैं, वेल नेचर होता है सर। वो 6 महीने में नहीं बन पाते सर, वो 6 महीने सर, वो 6 महीने में नहीं बन पाते हैं। एक कहावत बताते हैं सेना की है, एक बार अच्छे सुनते हैं आपकी, बोलिए बोलिए तो सही चाहिए, बोलिए बोलिए। आप देश के लोग, देश के नौजवानों की बात कर रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग में वो ट्रेंड हो पाएंगे कि नहीं, देश के सेना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको आप ये जिन लोगों की भर्ती होगी, 46,000 लोगों की भर्ती निकली है, बिल्कुल निकली है, 46,000 लोगों के 46,000 लोगों में भारत की सेना सिमट गई है क्या? बिल्कुल नहीं सिमटी है सर, लेकिन आप ये सोचिए ना, ये 46,000 जो भर्ती होकर के जाएंगे यही जाकर के बॉर्डर पे लड़ाई, भर्ती एक बार में रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, 8 साल बाद भर्ती, ये ऐसे भर्ती आगे होती जाएगी तो कमजोर नहीं होगा? आप पहले दोनों चीज को समझ गया। अरे 4 साल बाद क्या, मैं आपका युद्ध के मैदान में आप जितना पसीना बहाएंगे, पकौड़ा बेचेंगे देश में हम, नहीं हाँ ठीक है, युद्ध के मैदान में जितना पसीना, वो छोड़िए सर, ये हमें उससे मतलब नहीं है। अरे सुनिए, अब सुनिए, अभ्यास के मैदान में आप जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध के मैदान में आप जितना खून बचाएंगे, आप 6 महीने में कौन सी ट्रेनिंग दे देंगे, आप ये बताइए। ठीक है, ये कहना चाहूंगा, आज जब भारतीय फौज में जब युवा भर्ती होता है तो उसके मन में एक विश्वास होता है, उसके मन में एक क्षमता होती है कि यार मेरे ना रहने के बाद या मेरी जॉब होने के पूरे बाद मुझे एक पेंशन मिलेगी, और इन अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलने वाली है। आप सर खुद सोचिए, क्या वो उतने मनोबल के साथ वो फौज में नौकरी कर पाएगा? और फौज कोई नौकरी नहीं है सर, फौज एक देश सेवा है, फौज एक देश की रक्षा करने के लिए, क्या वो उस मनोबल के साथ काम कर पाएगा? सर फौज का मतलब होता है मोटिवेशन, पैशन एंड डेडिकेशन, क्या ये तीनों चीजें उन बच्चों में रह पाएंगी? उनके दिमाग में तो हमेशा 24 घंटे यही चलेगा, यार मेरा टेन्योर पूरा होने वाला है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। डेलीगेशन की बात कर रहे हैं आप, जी जी, इतनी सोच आपको होनी चाहिए। जी जी, भारत सरकार ने या रक्षा मंत्रालय ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है, जी जी, उस डिसीजन में ऐसा क्या है जिससे नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है? वो सर मैं बता तो रहा हूँ, सेना का भी भविष्य खतरे में है, नौजवान छोड़िए, सेना का भविष्य कहावत है, ये अभ्यास के मैदान में आप जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध के मैदान में उतना खून बचाएंगे। अरे इसके बारे में भी तो सोचिए आप, संतोष सर आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप बल गिरेगा सेना का, सेना के लोगों को क्या दिया है देश के लोग, देश के अंत की सरकारों ने? सर आप मुझे नहीं, हम सरकार की बात, सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि भाजपा सरकार ने गलत किया है, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार ने गलत किया है, वो सरकार कोई भी होती मुझे वो गलत लगती, मेरा ये कहना नहीं भारत सरकार लाइक ये भाजपा सरकार गलत कर रही है, भारत सरकार गलत कर रही है, मेरा ये कहना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विनय पटेल हैं आप, चलिए सर्वेश क्या कह रहे थे?
मेरा कह रहा था मैं कि कहावत है हमारे सेना में, एक कहावत है कि आप युद्ध के अभ्यास के मैदान में जितना पसीना बहाएंगे युद्ध के मैदान में उतना ही ज्यादा खून बचा पाएंगे। तो हम 6 महीने की ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दे देंगे कि वो युवा परिपक्व हो जाएंगे और युद्ध लड़ लेंगे? ऐसा कुछ नहीं। और वो बाकी हम उनको अगर 4 साल की नौकरी कर रहे हैं कि अगर 1 साल में उनको 2 महीने की हम छुट्टी भी देते हैं तब भी उनके 6 महीने की छुट्टी हो जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, बची 3 साल। 3 साल में उसको आप 3 साल तो उसको हथियार पकड़ने सीखने में लगेगा और उसके बाद जब वो परफेक्ट होगा हथियार चलाने के लायक तब तक आप कहेंगे उसमें 75% बाहर जाओ, 25% ही रह पाओगे। अब 25% जो 75% बाहर जा रहे हैं उनका मनोबल डाउन होगा, वो हतोत्साहित होंगे, समाज में आएंगे समाज के साथ कैसा उनका बर्ताव होगा ये देखने वाली चीजें होंगी, इस पे विचार करने वाली चीज है। और हमारे हमारे साथी लोग आज एक बात कर रहे थे कहे कि जिस तरह से अग्नि को खराब करेगा, आप ही लोग बोल बोल के खराब करोगे। नहीं, बोल बोल के नहीं खराब कर रहे हैं, बोल बोल के कोई नहीं खराब कर रहा है, ये सोचने की बात है। आप सोचने की बात है, देश की संपत्ति जलाना बिल्कुल गलत है। आप ये फौजी नहीं हो सकते। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो ये देश में आगजनी फैला रहे हैं या ये जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल गलत है। कुछ ये देश के सूरवीर या देश के अग्निवीर ये कभी हो ही नहीं सकते। जो अपनी देश की सुरक्षा करने जा रहा हो वो आज देश में नुकसान करके जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चलिए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, लेकिन आप खुद सोचिए कि आने वाले वक्त में जो आज जिस तरीके से रिटायरमेंट जब होता था उनको जो फायदे होते थे वो सब कहाँ है। दूसरी बात, अगर आप अरे आज ही युवाओं की मांग है, आप उस पर बात करेंगे, विचार करेंगे? वो कहते हैं कि चलिए 4 साल में सब आप ही बोल रहे हो, आप ही सबको सब कुछ तो आप ही बोल रहे हो। हम देश की सेवा करने के लिए समर्पित है, हम लोग व्यवसाय से इसको नहीं जोड़ते हैं, हमको उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आप वही बात कर रहे हैं। मेरे भैया, लेकिन मोटिवेशन तो उसी से आता है ना। लेकिन सर, मोटिवेशन तो वहीं से आता है सर। मैं आपका कहने का मतलब है कि हमारा देश का युवा उसको कुछ ना मिले और वो देश की सेवा और रक्षा करता रहे, आपका कहने का मतलब है? हम बोल रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। क्या सर, आप नहीं दे रहे हो, पैसे की बात कर रहे हो, पैसा नहीं है, पैसे नहीं, डेलीगेशन है, आज हमारे कुछ मित्र थे, ठीक है, आप जो बोल रहे हो सब सही है, लेकिन भाई मेरे, आप आकर के एडवाइस हमको दो ना, हम आपकी बात। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, मैं एडवाइस दे रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ, आप जो है जो जैसा पहले अभी तक जो व्यवस्थाएं थी, जैसे कि आपका आर्मी में जो ओपन रैलीज होती थी, रिलेशन रैलीज होती थी, आप उन्हें वैसा ही बिल्कुल बरकरार रखिए। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की जो एंट्री होती थी उसको बरकरार रखिए, जो नेवी SSR एंड AA की जो एंट्री होती थी उसको बरकरार रखिए। आपको टूर ऑफ ड्यूटी चलाना है, बिल्कुल चलाइए, कोई मना नहीं कर रहा है और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन गलत ये तब है जो व्यवस्थाएं पहले, जो अच्छी व्यवस्थाएं चल रही थी उनको खत्म करके इसको लागू करना, तब मैं इसको ठीक है। ठीक है शिवम, बाकी ये गलत नहीं है। ठीक है शिवम जी, ठीक है। विनय पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, कुछ कहना है आपको? हाँ बिल्कुल बोलिए, आपका कुछ कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो गया था, बताइए जी। नितिन जी, देखिए, ये जो अग्निपथ योजना सरकार ने लाई है, इसमें सवाल ये उठता है कि ऐसी योजना लाने की स्थिति पैदा क्यों हुई? तो असलियत ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि पिछले कई सालों से इस देश को प्राइवेट के हाथों में देने की तरफ अग्रसर है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो कोयला हो। तो अगर सारी कंपनियां इन्होंने प्राइवेट कर दी हैं, तो अब की बार मुझे लगता है इन प्राइवेट कंपनियों से और इनके मित्रों से मोदी जी की फिर एक मीटिंग हुई और इन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में आपको फिर हम मालामाल कर देंगे, बस आप एक काम करिएगा, आपकी हमारा सहयोग करिएगा। तो मोदी जी ने कहा चलिए ठीक है, कंपनी तो हमने आपको दे दिया है, अब आपको हम सिक्योरिटी गार्ड भी ट्रेंड देंगे सरकार की तरफ से, नौजवानों को सेना में भर्ती कराएंगे, 6 महीना ट्रेनिंग देंगे और 3.5 साल 4 साल नौकरी कराएंगे, उनको रिटायर्ड कर देंगे और जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो किसी काम के रहेंगे नहीं, फिर वो आपके एयरपोर्ट के सामने, आपके कोयले के गोदाम के सामने, आपके रेलवे स्टेशन के गेट के सामने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए नजर आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, इस योजना के पक्ष में जो कसीदे पढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि इस
जब ये रिटायर होंगे तो इनको सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में बहुत सहूलियत दी जाएगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले जिन नौजवानों ने देश की रक्षा करते हुए, देश की सुरक्षा व्यवस्था की रक्षा करते हुए, इस देश के लिए जिन्होंने नौकरी की 17-17 साल नौकरी की, जब वो रिटायर्ड हुई है, तो कैसे कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको इन्होंने बड़ी नौकरी दी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ के, वो डर डर की ठोकरे खा रहे थे। तो अगर कोई व्यक्ति 17 साल की नौकरी करने के बाद ये स्थित है, तो 4 साल की बाद नौकरी करने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी? संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विनय संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संतोष जी भाई, जो जैसा पढ़ता है, जिसकी जितनी योग्यता रहती है, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जो जैसा पढ़ता है, जो जैसा डिग्री लेता है, जो जैसा करता है, उस हिसाब से उसको हर को जॉब मिलता है, नौकरी मिलती है। हम यहाँ डिस्कस और बहस कर रहे हैं, ये अग्निवीर के पे मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड की कोई नौकरी के साथ किसी नौकरी को और किसी व्यवसाय को आप मजाक के नजर से मत देखिए। आप लोग की नजर में पकौड़े बेचने वाला, चाय बेचने वाला, होमगार्ड की नौकरी करने वाला, ये क्या दूसरे देश से आए हैं क्या? एलियन है क्या? एलियन बन के आए हैं? ये भी आप लड़के को बच्चे महीने के लिए सेवा में रखे हैं और उसने ठीक है, प्लीज बोलने दीजिए संतोष जी को, बोलने दीजिए। आप इन संघियों के चक्कर में मत दीजिए। विनय भाई, विनय भाई, विनय भाई, विनय भाई जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। नहीं नहीं, ये बता रहे हैं कि ये नौजवान उपद्रोही है। हाँ, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। किसानों को बता रहे थे अलगाववादी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, अब नौजवान जो है उपद्रोही हो गए। ठीक है विना भाई, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। उपद्रोही हो गई, ठीक है विना भाई। हाँ, हाँ संतोष जी बोलिए। उनकी बात ही नहीं पूरी सुन रहा हूँ तो उनका जवाब कहाँ से? नहीं, वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन में जिन लोगों ने आंदोलन किया था उनको भी आप लोगों ने खालिस्तानी और क्या क्या बोला था, आज इन बच्चों को भी आप लोग उपद्रवी बोल रहे हैं। किसान आंदोलन छोड़िए सर, आप जो बता रहे थे इस स्कीम को लेकर के, वो बताइए। पहली चीज हमको और देश को बताने की जरूरत नहीं है, सरकार देश ने चुना है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी देश उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुना है, और सरकार पे हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे देश के किसी कोने का हो, उनको सबको विश्वास है। और मैं आपको फिर भी यकीन दिला रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ, और आने वाले समय में आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सरकार ने सोच समझ करके फैसला लिया है। अगर कहीं कोई त्रुटि होगी इन लोगों के नजरिए से होगी, या अपोजिशन में बैठे हुए लोग कोई चीज एडवाइस करेंगे, उनके सुधार से कुछ अच्छा होने वाला, बिल्कुल हम उसका स्वागत करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये कहना तो जिस सरकार ने फैसला लिया है, सरकार में बैठे लोगों ने जो पार्टी की सरकार है, पूरा देश जल रहा है, और आप बता रहे हैं कि हमको बताने की जरूरत नहीं है, देश समझ रहा है? भाई पूरा देश जल रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि देश जल रहा है। कौन किया है अरे भाई, जो आप योजना लाए हैं, नहीं तो ये जलाना वालाना तो गलत है भाई, जलाना वालाना गलत है, ये सब बहुत गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे आप अपना भी भविष्य अधेड़ में कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये सुनाने का तरीका थोड़ी ना है कि आप ट्रेनों में आग लगा देंगे, आप बसों में आग लगा देंगे, ये सुनाने का तरीका नहीं है। जलाओ दे नितिन जी, बिल्कुल ये समाधान कर लीजिए, जला करके। बिल्कुल मेरी बात के लिए अगर आप इस आंदोलन को कर रहे हैं तो आप इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करिए। बिल्कुल एक बात, दूसरी बात, चलिए आखिरी मिनट बचा डिबेट। इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं, गांधी और सरदार भगत सिंह का देश है। ठीक है, प्लीज 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 हमारी आत्मा पे चोट। ठीक है विनय भाई, विनय भाई, विनय भाई, विनय भाई, विनय भाई आऊंगा। हाँ बोल लीजिए। अभी तक जो चैनल पे बैठे हैं, चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आप बातें ऐसी कर रहे हैं जो आप कहीं से भी ना देख को सुनने वाले को। ठीक है, समय कम है, समय कम है। संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी प्लीज, 30 सेकंड में बात। क्या था कि जो एक सिस्टम बना हुआ है फौज में नौकरी का या फौज में ज्वाइनिंग का, वो सिस्टम बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। उसमें लाइक जैसे रेजिमेंट होती हैं, तो रेजिमेंट एक जाति और क्षेत्र के हिसाब से बनाई गई थी। उसका रीजन ये था कि जब हमें जिस तरीके की रेजिमेंट की जरूरत होगी, हम उस रेजिमेंट का यूटिलाइज करेंगे।
आज इस स्कीम की वजह से क्या होगा कि किसी भी रेजिमेंट में किसी भी जाति और क्षेत्र का इंसान वहां चला जाएगा और जबकि उसको उस बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी सेना कमजोर होगी। और इसके पहले कल्पना बंद कर दीजिए सर, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ सर, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? सर आप जो कह देते हैं वही सत्य है। समय कम है मेरे पास, बीजेपी के मैं इस स्कीम को गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे ये गलत है कि अगर जो पिछली भर्तियां थी आप अगर उनको हटा रहे तो ये स्कीम गलत है, अगर उनको आप बिल्कुल एज इट इज अगर आप रखने वाले हैं, मतलब जैसा कि अभी तक हम देख पा रहे हैं कि आप हटा चुके हैं, तो ये गलत है। अगर आप उनको एक तरीके से बिल्कुल वैसे ही एज इट इज चलने दें और फिर ये स्कीम लेकर आए तो ये बहुत अच्छी और युवा के लिए बहुत बड़ा अवसर। समय कम है, समय कम है, आप सभी मेहमानों का। संतोष जी जल्दी से हमारी बात सुन लीजिए। हाँ जी, बता दे रहा हूँ आपको, सरकार हमारी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, रोटेशन कर सकती है, नई चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। आप नौजवानों के साथ खिलवाड़ करिए, आप सेना के साथ खिलवाड़ करिए, आप एक्सपेरिमेंट में आपको बुरा लग रहा है, हाँ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप। बहुत अच्छी योजना थी और इस योजना के मैं अभी भी कह रहा हूँ योजना अच्छी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये योजना अच्छी है, लेकिन जो पिछली योजनाएं हैं, जो एंट्री की स्कीम्स है, उनको खत्म करने के बाद ये योजना कहीं से अच्छी नहीं। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का, आप सभी मेहमानों का, ठीक है, थैंक यू आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बहुत ही गंभीर मुद्दा था जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे और निष्कर्ष निकालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो छात्र लगातार अपना जो विरोध जता रहे हैं उनकी काउंसलिंग कैसे करी जाए। सरकार ने नियम तो बना दिया है, इस नियम को लेकर के कई सारे जो सवाल हैं छात्रों के मन में बने हुए हैं और उस छात्र अब कहीं ना कहीं उस नियम को लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन ये अगजनी करना, ये तोड़फोड़ करना, एक दूसरे को घायल करना, पत्थर चलाना, ये विरोध का हिस्सा नहीं है, वो भी छात्रों के लिए और उन छात्रों के लिए जो अपना भविष्य सेना में ढूंढ रहे थे। ऐसे छात्रों को सेना में जाने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने घर में बैठे ज्यादा अच्छा है। अगर आपको नाराजगी है, अगर आपको विरोध जताना है, आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताइए, सरकार सुनेगी, नहीं सुनती है तो जो उसने नियम बनाया है उस नियम को लेकर के वो काउंसलिंग करेगी, आपको बेहतर लगता है तो आप सरकार के साथ होकर के सेना का साथ दीजिए। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।